अगर दुनिया में मंदी है तो तीन चीजों पर अगर हम बल देंगे, और मैंने मेरे भाषण में कहा था विद्या वंदर, आई गेव एन फॉर्मूला कॉल्ड रेस, RACE, उस पर अगर हिंदुस्तान बल देता है तो हम इस रिसेशन को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और वो मेरा कहना था एक लो रिस्क एलर्टनेस, लो कॉस्ट एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। अगर ये चार चीजों को हम करते हैं, हम लो रिस्क लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी एंड इन जनरल एलर्टनेस, मैं मानता हूं इस रिसेशन का हम फायदा उठा सकते हैं। और गुजरात ने करके दिखाया, दुनिया की कोई कंपनी अपना उद्योग बंद करना नहीं चाहती, वे चाहते हैं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इसके लिए उसको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चाहिए और हाई एफिशिएंसी चाहिए ताकि उसकी काम को तेजी मिले। अगर हम इन चीजों को कर दें, सारी दुनिया हिंदुस्तान के चरण में करके बैठ सकती है। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं मैं ये करके दिखाऊंगा। आश्रम से आए हुए विद्यार्थी एसआईएमसी के, उसने पूछा है, इफ यू वर परमिटेड, व्हाट इज वन थिंग दैट यू लाइक टू चेंज इन आवर कंट्री एंड व्हाट इज वन थिंग दैट यू आस्क द यूथ ऑफ द नेशन टू डू। सुनायन एसआईएमसी फ्रॉम असम। मैं ये भी चीज करना चाहूंगा, मेरे भीतर जो बुराइयां हैं उसको दूर करके खुद अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। खुद को ठीक करूंगा। There's only one thing I would like to do. And for the youth, the same suggestion for the youth. He asked for one suggestion. मैं दोस्त हूँ, आप मैं तो आपके साथ दोस्त हूँ, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ, मौज करो दोस्त, मस्ती से। हमारे मुझे मरने वाले लोग, रोने वाले लोग, मैं कहाँ तो मेरे को मैं नौजवान नचिकेता जैसा होना चाहिए मित्रों। नचिकेता ने यम के दरबार में जाकर के पूछा था, व्हाट इज डेथ, दिस इज अवर कल्चर। मृत्यु के सामने जाकर के 7 साल का बच्चा जाकर के पूछा है, बताओ यमराज, व्हाट इज डेथ। ये तर्क होना चाहिए दोस्तों, यहां भी मैं यही यही कहूँ। मोदी सर, हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग के हैं प्रोफेसर स्वाति मजुमदार, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। जरूर sir, I'm not a professor, so I'm very exclusive. We've been hearing a lot about the eleventh plan of the Indian government to build literacy rates. We wanted to know specifically in Gujarat, can you throw some light on women literacy and what you're going to specifically do about building women literacy? बहुत अच्छा स्वाति ने सवाल पूछा है और ये मेरे दिल की बात है जो मैं बताना चाहूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सब सेक्रेटरी लोग मिले, ब्रीफिंग कर रहे थे राज्य के मित्र। आई एम द पर्सन जिसने चीफ मिनिस्टर बनने तक चीफ मिनिस्टर का चेंबर नहीं देखा था। आई हैव नेवर विजिटेड अ चीफ मिनिस्टर चेंबर, ऐसा मैं हिस्सा चीफ मिनिस्टर बन गया। तो मेरी पहली मीटिंग थी, सब आइए सब सब थे, वो मुझे समझा रहे थे कि गुजरात में ऐसा करना है वैसा करना है। एजुकेशन सेक्रेटरी बताया कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में गुजरात 20th नंबर पे। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, पहली बार बना था, आयु बहुत छोटी थी, आप कल्पना कर सकते क्या मिजाज होगा। अखबार में तस्वीर छप रही थी, टीवी पर दिख रहा था, आनंद का माहौल था। फोर्टी एट आवर में मेरा सब चूर चूर हो गया, मैं आपको रोने सो नहीं पाया। मेरे जैसे गुजरात में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20 नंबर, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे दुख का दिवस था। मुझे मुख्यमंत्री में आनंद नहीं आया और उस दिन मैंने ठान ली मैं कुछ करूंगा। और इसलिए मैंने एक काम चालू किया, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की स्थिति का कारण क्या है। फिर मैं जो चीजें करता हूं मैं आपको बताता हूं। एवरी ईयर 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैं खुद गांव जाता हूं, क्योंकि 15 जून को स्कूल शुरू होते हैं, तो 13, 14, 15 जून मैं गांव जाता हूं। मैं उस गांव में जाता हूं जहां मिनिमम एजुकेशन है,
दिन में ऑल मिनिस्टर्स जाते हैं, ऑल आईएएस अफसर जाते हैं, ऑल आईपीएस अफसर जाते हैं, ऑल आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस अफसर जाते हैं। वो मेरी पूरी टीम 800 लोगों की। मैं खुद घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अभियान चला रहा हूं, और अभी पिछले जब से मुख्यमंत्री था ना लगातार कर रहा हूं। तब ज्योतिदा नहीं था तो गांव में पंखा भी नहीं था, बिजली नहीं थी, फिर भी मैं रात में गांव में रुकता था, इन बच्चों को स्कूल ले जाता था। और पहला काम किया 100% एनरोलमेंट, गर्ल चाइल्ड का 100% एनरोलमेंट आज मेरे राज्य में है। दूसरा, उस समय मेरे यहां ड्रॉप आउट था 59%। एंड यू बी सरप्राइज दोस्तों, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि गांव की बच्ची और बच्चियों में कॉन्शियसनेस ज्यादा होता है। गांव की बच्ची तीसरी कक्षा में सेपरेट टॉयलेट नहीं होने के कारण वो स्कूल छोड़ देती थी। मैंने पूरे राज्य के अंदर अभियान चलाया, हर स्कूल के अंदर लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट बनाऊंगा। चीज यूं तो छोटी लगती है मित्रों, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़े दर्द की दवा बन जाती है। और आज मेरे यहां 59% ड्रॉप आउट से 2.6% ड्रॉप आउट रहा हूं। और मेरा गोल है 2010 में 0 ड्रॉप आउट, 0। दूसरा, मैं सोच रहा था मेरी सरकार करेगी, डिपार्टमेंट से करूंगा, लगा रहूंगा, सरकार दौड़ेगी। नरेंद्र मोदी क्या करेगा, उसको भी कुछ करना चाहिए ना। उसमें से मुझे विचार आया, मैं कहीं पर भी जाता हूं और आजकल मंच पर भी वेंट्स वगैरह देते हैं, मोमेंटो देते हैं, कभी बहुत बड़ा वॉल पेंटिंग देते हैं, कभी कोई चांदी की चीजें देते हैं, कोई सोने की चीज देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते हैं भैया। सर पब्लिक ही बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीजें देते हैं, वो लपेट कर भी देते हैं ना, अंदर बढ़िया माल होता है। मुझे भी मिलता, मुझको ईश्वर ने कहा बेटे तुम क्या करोगे इसको, तुम्हारा है कौन, किसके लिए पूछे। और मैं सुखी हूं, आगे पीछे भगवान की मेहरबानी है, सब खाली रखा है। मैंने तय किया मुझे जो कुछ भी मिलता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कर दूंगा। मित्रों, मेरे राज्य में मेरे पहले 13 मुख्यमंत्री हो गए, 30 मुख्यमंत्रियों ने टोटल 183 चीजें जमा कर ली है, और उसमें भी ज्यादातर कैची है। मतलब मैंने अब तक करीब 4500 चीजें जमा कर ली, फिर उसका मैं ऑप्शन करता हूं। ऑप्शन में अब तक मुझे 90 करोड़ रुपीज मिले, 90 करोड़। ये सारे 90 करोड़ रुपीज सरकार के माध्यम से गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए खर्च। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस इज माई पैशन। मैं नहीं चाहता मेरे राज्य में कोई बच्ची अशिक्षित रहे। और एक मेरे काम उठाया मित्रों, बच्चियों के न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा काम मैंने चला है। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो 45 मिल्क, 45 आटा, 45 ऑयल, ये हमारे इस प्रकार के विशेषकर किशोरी अवस्था की बच्चियों को मैं देता हूं। अब तो धीरे धीरे पूरे राज्य के मैंने गरीबों के लिए किया है, भारत सरकार ने उसका स्टडी किया है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी भी उसको जो केस स्टडी करने होते हैं ऐसी कुछ चीजें दें, गुजरात में आए और इन चीजों का स्टडी करें, रिसर्च का काम करें। मेरा आपको निमंत्रण है दोस्तों, हो सकता है देश को काम आए।